गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम आप लोग पढ़ाएंगे मटर्नल क्लिनिक एंड केयर, मातृ क्लिनिक और देखभाल के बारे में। तो देखिए मटर्नल क्लिनिक एंड केयर इंट्रोडक्शन परिचय। इसमें फर्स्ट देखिए एंटीनेटल या प्रीनेटल केयर, सेकेंड है इंटरनेटल केयर, थर्ड है पोस्टनेटल केयर। इसमें देखिए फर्स्ट है एंटीनेटल या प्रीनेटल केयर। गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली देखभाल को एंटीनेटल केयर कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली देखभाल ट्रीटमेंट केयर को जो है एंटीनेटल केयर कहते हैं। एंटीनेटल केयर के दौरान दी जाने वाली केयर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। इंटीनेटल केयर के दौरान दी जाने वाली केयर देखभाल के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। इसमें देखिए इसमें तथ्यों का आकलन, डाटा कलेक्शन। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान इंटीनेटल विजिट की जाती है। गर्भावस्था के दौरान इंटीनेटल विजिट किया जाता है, इंटीनेटल दौरा किया जाता है। इस दौरान निम्नलिखित डाटा संकलित किए जाते हैं। इंटीनेटल विजिट के दौरान निम्नलिखित डाटा जो है संकलित किया जाता है, जैसे पारिवारिक व सामाजिक तथ्यों का आकलन करना, परिवार से संबंधित व सामाजिक समाज से संबंधित तथ्यों का आकलन करना और गर्भावस्था के वर्तमान व पूर्व की जानकारी प्राप्त करना और प्रेगनेंसी के वर्तमान और पूर्व पहले की जानकारी प्राप्त करना, अन्य आवश्यक जानकारियों को एकत्रित करना और अन्य जो जरूरी जानकारियां हैं उन्हें एकत्रित करना। देखिए एंटीनेटल एग्जामिनेशन, सामान्य शारीरिक परीक्षण जैसे भार, श्वसन, बीपी, नाड़ी दर आदि शरीर के सिर से पांव तक परीक्षण करना, एंटीनेटल एग्जामिनेशन करना, जैसे सामान्य शारीरिक परीक्षण करना, भार का, श्वसन का, बीपी का, नाड़ी दर आदि शरीर के सिर से पांव तक परीक्षण करना। एंटीनेटल एग्जामिनेशन के दौरान प्रेग्नेंट वूमन की प्रेगनेंसी के दौरान भार का, उसके वेट का, श्वसन सांस लेने की दर का, बीपी का, नाड़ी दर और शरीर के सिर से पांव तक उसका परीक्षण करना। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में परामर्श दिया जाता है। जानकारी दी जाती है। देखिए इसमें फर्स्ट है गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार दिया जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमन है उन्हें जो है संतुलित आहार देना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक स्वच्छता की देखभाल की जानकारी। प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए उसकी देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी जानकारी देना। प्रसव के संभावित तिथि की जानकारी देना, प्रसव की जो संभावित तिथि है उसकी जानकारी देना। स्तनों की देखरेख की जानकारी प्रदान करना, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमन को जो है स्तनों की देखरेख की जानकारी प्रदान करना। परिवार नियोजन के संबंध में जानकारी देना, परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें फर्स्ट देखिए गर्भवती महिलाओं को रक्ताल्पता से बचाना, गर्भवती प्रेग्नेंट वुमन को रक्ताल्पता एनीमिया से बचाना, कुपोषण के कारण होने वाले रोग से बचाना, कुपोषण से होने वाले जो रोग हैं उससे बचाव करना, टिटनेस से बचाने हैं तो टीकाकरण करवाना, टिटनेस से बचाव के लिए टीके का इंजेक्शन लगवाना, गर्भवती महिला को प्रसव के लिए मानसिक रूप से तैयार करना, प्रेग्नेंट जो वुमन है उसे प्रसव के लिए मानसिक रूप से तैयार करना। इसके ऑब्जेक्टिव देखिए क्या उद्देश्य हैं। प्रसव के दौरान मां के संपूर्ण देखभाल करना, प्रसव के दौरान प्रेग्नेंट वुमन की संपूर्ण देखभाल करना, ट्रीटमेंट करना, केयर करना, प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं को कम करना जैसे रक्तस्राव। प्रसव के दौरान जो जटिलताएं होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं उन्हें कम करना, जन्म के पश्चात नवजात को केयर प्रदान करना, बच्चे के जन्म के पश्चात नवजात जो शिशु है उसे केयर प्रदान करना, उसकी देखभाल करना, प्रसव के दौरान माँ को मानसिक सहारा प्रदान करना, प्रसव के पश्चात जो है माता को मानसिक सहारा प्रदान करना। पोस्टनेटल केयर, प्रसव के बाद माँ और बच्चों को
दी जाने वाली केयर को पोस्टनेटल केयर कहते हैं। प्रसव के बाद माँ और बच्चे को दे जाने वाली जो केयर है, देखभाल है, सुरक्षा की भावना है, उसे पोस्टनेटल केयर कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव, माँ को उपयुक्त केयर करना, माँ को उपयुक्त देखभाल करना, माँ की उपयुक्त देखभाल करना, माँ को सामान्य हेतु प्रेरित करना, सामान्य होने में उसे प्रेरित करना, माँ और परिवार को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, माता और उसके परिवार को हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित एजुकेशन शिक्षा प्रदान करना। इसके देखिए फंक्शन क्या है, इसमें फर्स्ट है प्रसव के बाद होने वाली जटिलताएं जैसे कब्ज, मूत्र एकत्रीकरण, पीड़ा आदि से बचाना। प्रसव के बाद होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कब्ज का होना, मूत्र एकत्रीकरण होना, पीड़ा दर्द होना, जैसे इससे बचाना। शारीरिक, नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षण जैसे जैविक चिन्हों का परीक्षण, स्तनों का परीक्षण आदि, शारीरिक परीक्षण कराना, जैसे जैविक चिन्हों का परीक्षण कराना, स्तनों का परीक्षण कराना आदि। माँ और बच्चों की देखरेख से संबंध में संपूर्ण जानकारी देना, माँ और बच्चों की देखरेख से संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करना, माँ को स्तनपान का महत्व बताना, माँ को बच्चे के लिए स्तनपान का महत्व समझाना, माँ को छोटे परिवार का महत्व बताना, माँ को जो है कम बच्चे रखने का महत्व बताना, माँ को छोटे परिवार रखने का महत्व समझाना। प्रसव के बाद घरेलू विजिट करना, प्रसव के बाद घरेलू दौरा करना, MCH सेवा प्रदान करना आदि, मदरनल चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना, MCH सेवा प्रदान करना इत्यादि।